नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 और 15 मार्च के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जिनका भी अश्विनी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दो दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 14 मार्च की बात करें तो दोस्तों इस दिन सोमवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन पुष्य नाम का नक्षत्र रहेगा। जी दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो अति गंड नाम का शुभ योग और शुक्रवार नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इन दिन राहु काल के समय सुबह के 8:09 से लेकर सुबह के 9:38 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे आप राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। इसके उपरांत दोस्तों चंद्रमा इस दिन कर्क राशि पर संचार करने वाले हैं। दोस्तों अगले दिन 15 मार्च की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, आश्लेषा नाम का नृत्य और साथ ही दोस्तों इस दिन धृति नामक शुभ योग रहने वाले हैं। जय दोस्तों यह योग आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होंगे। राहु काल के समय शाम के 3:34 से लेकर शाम के 5:03 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा इस दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय आप बेहद संवेदनशील और जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए जो है समर्पण का भाव रख सकते हैं। आपका अपने परिवार और बच्चों के साथ बहुत लगाव रहेगा। राज्य अधिकारियों का या फिर दोस्तों अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों यह समय अगर नेगेटिव की बात करें तो गलत तरीके से धन आ सकता है। दोस्तों यह समय और साथ ही गलत कार्य करने की प्रवृत्ति भी बन सकती है। घटना दुर्घटना का योग बनेगा। दोस्तों मन विचलित और अशांत रहेगा। इस समय आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी होगी क्योंकि मित्र और सहयोगी आपकी उम्मीद के अनुरूप आपको सहयोग नहीं दे पाएंगे। दोस्तों इन दिनों में कुछ परिस्थितियां आपके खिलाफ भी हो सकती है। काम को लेकर यश में देरी हो सकती है या फिर दोस्तों आवश्यक संसाधनों को जुटाने में परेशानी आ सकती है। अपना काम पर यश में आप फोकस बनाए रखें और आपका जो काम है ईमानदारी से आप करते रहें। आपको किसी की बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थिति का समय के साथ हल हो जाएगा। दोस्तों जितना उसके लिए परेशान होंगे उतना ही अपने लिए बधाई उत्पन्न आप करेंगे। दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में करियर के मामले में अपने मन की बात सुननी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों यश में व्यापार में बदलाव या फिर नौकरी में पदोन्नति की भी संभावना है। अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको यश में मिलेगा जिससे आपके काम में जो है लाभ मिलेगा, लाभ में इजाफा होगा। दोस्तों यश में इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके रिश्ते में जो है घनिष्ठता बढ़ेगी और आप एक दूसरे के और नज़दीक आएंगे। दोस्तों इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप अपने काम में अधिक व्यस्त हो जाएंगे। दोस्तों यश में साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है, आपको इसका खास ध्यान रखना चाहिए जिसके चलते रिश्तों में दोस्तों कटुता आ सकती है। वह दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यश में आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी सेहत की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यश में आपको स्वास्थ्य में सुधार करने की प्रयास करना चाहिए। दोस्तों आपका प्रयास इस समय सफल भी होगा और आपको स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और दोस्तों आप पुरानी चली आ रही समस्याओं से भी यश में मुक्ति पा सकते हैं, उनमें आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गोल्डन और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। वह दोस्तों यश में गणेश जी की कृपा से सभी व्यापारी साहसों में आपको सफलता मिलेगी। आपके परिश्रम और निष्ठा रंग लाएंगे और व्यावसायिक क्षेत्र में आप नाम और प्रतिष्ठा दोनों कमाएंगे।
दोस्तों यशमय व्यापार के विकास और प्रगति की तरफ आप ध्यान केंद्रित करेंगे। वह दोस्तों यश में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो यश में काम पूरा करने के लिए आप शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं। आप अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों से लेकर छोटी छोटी गतिविधियों तक अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं दोस्तों लंबित काम को समय पर पूरा करने के लिए आप अवस्थ महसूस भी कर सकते हैं। आप अपनी जो है प्रगति आप भगवान के हाथों में छोड़ देंगे। दोस्तों यश में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आप लव लाइफ में कमांडिंग पोजिशन में रहेंगे। हालांकि आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके लिए जो मायने रखता है वह है भावनाएं। दोस्तों आप अपने पीरी को बहुत सारी बातें बताना चाहेंगे, लेकिन सौभाग्य से आपको अपने पीरी से हरी झंडी मिल जाएगी। दोस्तों यश में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो गणेश जी आपको दोस्तों की खुशी के लिए पैसे खर्च करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आपको भी खुशी मिलेगी। दोस्तों यश में गणेश जी ये भी कहते हैं कि यश में आपका जो ध्यान है काम पर से थोड़ा हट भी सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा आप न करें, अपना ध्यान काम पर केंद्रित करने की आप कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों अपूर्ण कार्य को समय सीमा पर पूरा करने की यश में आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में स्वास्थ्य का मोर्चा शानदार लग रहा है। दोस्तों यह कुछ शारीरिक अभ्यासों में आप शामिल होने के लिए अनुकूल दिन रहेगा। आप यश में सकारात्मक ऊर्जा से भी भरपूर रहेंगे। दोस्तों इस दिन अगर आपके ऊपर नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले तो दोस्तों आप उन्हें खत्म कर दें। ऐसा आप किसी दान पुण्य के नाम में सहभागिता के जरिए कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। दोस्तों आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं। यश में फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए आप धन भी अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों लोगों के साथ ठीक तरह से पेश आए, खास तौर पर आप उनके साथ जो आपसे प्यार करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों यश में आपको निराशा हाथ भी लग सकती है, क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने पीर के साथ सौर सपाटे पर न जाएं। नए विचार फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों यश में अगर आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो दोस्तों कोई अच्छी पोशाक आप पहन लें। दिन में जीवन साथी के साथ बहस के बाद एक बेहतरीन शाम गुजरेगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण और भाग्यशाली टोटके के बारे में। दोस्तों यश में आप सफ़ेद बतखों का आर्टिफिशियल जोड़ा अपने प्रेमी या प्रेमिका को भेंट में देने से आपका जो लव लाइफ यश में अच्छा होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, किस्मत और पेशे के लिए रेशमी या फिर शुद्ध काला धागा बाजार से लाएं, और मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन भी आप ये धागा जो है हनुमान मंदिर में ले जाएं। इसी धागे में से 9 छोटी छोटी गांठ बांध लें। इस धागे में जो है हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा दें और इस धागे को अपने घर के जो है मेन दरवाजे में बांध दें, या दोस्तों या फिर तिजोरी में भी आप बांध सकते हैं। इसे दोस्तों आपके घर में पैसे की आवक बढ़ जाएगी। ऐसे धागे से आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। तो दोस्तों इन उपायों को यश में जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।